हमारे पास आज फिर से एक अनबॉक्सिंग के लिए सामान आ चुका है। तो ये गेमिंग से रिलेटेड सामान होने वाला है और टेक भी बोल सकते हैं, जो कि जैसा कि आजकल गेमिंग का ट्रेंड बना हुआ है। तो आइए अनबॉक्स करते हैं इसको। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि किस चीज़ के बारे में वीडियो होने वाली है, तो एक्चुअली मैंने इसे पहले भी खोल लिया था सामान चेक करने के लिए कि सही आया कि नहीं। अब फ्लिपकार्ट पे जब भी आप कोई सामान ले तो ओपन बॉक्स डिलीवरी को यूज़ करें और उसी टाइम सामान की रिकॉर्डिंग कर लें कि सामान सही है या नहीं, ताकि आप साबुन की टिकिया से बचे रहें। तो हमने इसको खोल लिया है, इसके अंदर ये हमको बॉक्स मिल जाता है इसका, कॉस्टिंग बेल्ट गेमिंग हेडफोन G2050। देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया गया है इसमें। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है RGB LED गेमिंग हेडसेट कैपेटेबल विथ PC लैपटॉप PS4 एंड PS5 ऑल्सो। जैसा कि PS5 को भी ये सपोर्ट करेगा बहुत इजी तरीके से। काफ़ी नया गेमिंग हेडसेट है ये, देख सकते हैं इसमें सारी यहाँ पे डिटेल मेंशन की गई है। 50 mm का ड्राइवर मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस तरीके से ये आता है बबल पैकेट में। ये देखिए, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। बॉक्स के अंदर ये मैनुअल गाइड दी गई है इसके अंदर। देखिए 7.1 USB गेमिंग हेडसेट G2050। इसमें बताया गया है कि एक्चुअल ये USB हेडफोन है, ये जैक वाला हेडफोन नहीं, 3.5 mm वाला। देख सकते हैं इसमें इसका ड्राइवर आता है PC के लिए, उसको अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे यूज़ करना है, क्या इसका वो है। तो चलिए हेडफोन देखते हैं। ये हमारा हेडफोन, ये इसमें से निकालें। देखिए काफ़ी बल्की और काफ़ी बड़ा है। फोटो में तो आप वीडियो में आपको लगे कि ये जो है नॉर्मल साइज है, एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ा और बल्की हेडफोन है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई, एक्चुअली ये प्लास्टिक है, ये क्रोम फिनिश दी गई यहाँ पे। ये एडजस्टेबल साइज में भी आता है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मतलब ये खराब नहीं हो सकता। और ये माइक जो है ऐसे ऐसे मोड़ लिए, ऐसे मोड़ लिए, बहुत अच्छा गेमिंग के लिए होने वाला है। और कुछ देर में भी हम दिखाएंगे इसको PC में यूज़ करके, और इसको हम फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं OTG के थ्रू। और ये देखिए यहाँ पे कुछ हमको बटन्स मिल जाती हैं। ये एक बटन मिलती है वॉल्यूम डाउन के लिए और ये वॉल्यूम अप के लिए। ये बटन मिलती है हम लोग को, जैसा कि ये RGB हेडफोन है तो यहाँ पे सारी लाइट्स जो हैं ग्लो कर, इसको कंट्रोल के लिए, और ये माइक बंद करने के लिए। और ये हम लोग को मिल जाता है USB का पोर्ट। तो अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं डायरेक्ट PC पे, PC के ड्राइवर के थ्रू। इसका PC ड्राइवर आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जाके बहुत इजी तरीके से। तो जैसा कि हम अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं इसके साथ पेयर करने के लिए इसको, ये हमारा हेडफोन है, ये USB पोर्ट। तो अब हम इसको यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। ये देखिए ये पूरी RGB लाइट, ये देखिए इसके माइक में भी लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी सही लगता है इसको देखने में। इसको देखा जाए तो इसमें लाइट कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसकी जो लाइट थी बहुत अच्छे तरीके से चेंज होती है और काफ़ी अच्छा टोन देता है, और रात में अगर खेला जाए तो बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे इसको, ये हमारे पास ये की दी गई है, अब इसको मैं प्रेस करता हूँ ऐसे, ये देखिए लाइट बंद हो गई, ये देखिए, देख रहे हैं। और इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा किया जाता है, यहाँ से माइक बंद कर लिया, यहाँ से दबा देंगे तो माइक फिर आपका वर्क नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा है ताकि हम लोग अगर स्ट्रीमिंग गेम खेलते रहे तो वन क्लिक में आपका साउंड आप बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। PC की स्क्रीन पे हमने इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लिया है। एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत से लोग इसे गलती करते हैं PC में, ये इसके साथ सारे ड्राइवर आपको मिल जाएंगे, विंडोज 7, 8, 10। हाँ बस विंडोज 10 है तो 10 में जाते हैं। आपके पास एक और मज़े की बात बता देता हूँ, अगर आपके पास 11 भी तो आप 10 का कर लिए, कोई इशू की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है।
वो तो बस नाम के लिए दिया था, थोड़ा सा और कंपेटेबिलिटी हो जाती है, लेकिन 10-11 में आप 10-11 का नहीं है, 10 का इजी कर सकते हैं। तो सेटअप पे हम क्लिक करते हैं, इसमें नीचे की तरफ आप जाएंगे, सेटअप मिल जाएगा, रार फाइल लेते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इतना तो सभी जानता है। अब गेमिंग कर रहे हैं तो इतना नहीं समझेंगे तो फिर क्या ही समझेंगे। तो देखिए ये इंस्टॉल, तो इससे वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी, लेकिन मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक अलाउ वगैरह मांग रहा है, इंस्टॉल किया हमने, इंस्टॉल पे क्लिक किया, देखिए देखिए, प्लीज़ कनेक्ट द कॉस्मिक बाइट 7.1 हेडसेट। आपको इसे इंस्टॉल करते टाइम इसे अपने हेडफोन को इसको प्लग कर लेना है पीसी में, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा, ये प्लग कर लेना है, ठीक है? इजी प्लग हो गया है, अब हम ओके कर देते हैं इसको, जैसा कि ये कह रहा है, ओके। तो ये हम ओके करते हैं, यहाँ पे हम सेटअप रेडी करते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं फिर से, कुछ इश्यू हो गया था तो कैंसिल हो गया, ये नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। एक्चुअली थोड़ा सा यूएसबी पोर्ट में इश्यू हो गया था, तो हमने दूसरे साइड प्लग कर दिया है, तो इस वजह से इंस्टॉल नहीं ले रहा था, तो इसे प्रॉपर प्लग कर ले। अगर एक तरफ को जैसे मेरे में इशू आ गया था कि ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने इधर से निकाल के, इस साइड से निकाल के इस साइड प्लग कर दिया, तो ये इंस्टॉल होने लगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका भी इंस्टॉलेशन का वीडियो बना दिया। और कभी कभी प्लग होने के बाद भी आपने देख लिया सामने इश्यू आ गया कि वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी फाइल रहती हैं, और ये इंस्टॉल हो जाता है इसके बाद हम आपसे मिलते हैं इसके ड्राइवर के अंदर। जैसा कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, तो इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट हुआ है, तो आपको भी रिस्टार्ट कर देना है, ऑप्शन आता है रिस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो सिस्टम रिस्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइवर इसकी इंस्टॉल हो गई है कॉन्सिक बाइट की। हेडफोन आपका प्लग होना चाहिए हमेशा, वरना सब इधर उधर गड़बड़ जाए, तो हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए, अब इसके सारे कंट्रोल मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से अपनी वैल्यूम बढ़ जाएगी, मास्टर वैल्यूम है, इससे सारी वैल्यूम इकट्ठे बढ़ जाएगी। ऊपर कुछ सेटिंग्स आपको दिखा रही हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ से कुछ सेटिंग नहीं होता, देखिए सेटिंग सारी होती है यहाँ से, बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग, एक बार देखिए क्या क्या है इसमें। राइट क्लिक करेंगे हम, वॉल्यूम कंट्रोल, तो ये हो गया आपका, ये जो आप पहले खुला हुआ सैम्पल रेट में हम आते हैं, यहाँ से सैम्पल रेट जो कि आप क्वालिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले से हाई पे सेलेक्ट है, दो क्वालिटी मिलती है, 44.1 की एच जेड एंड 48 की एच जेड, तो 48 पे पहले से सेलेक्ट है। अब आते हैं हम इक्वाइजर में, यहाँ से देखिए इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद यहाँ पहले से कुछ प्रीसेट दिए गए हैं, डांस, रैप, क्लासिक, ओपरा, डिफॉल्ट, यहाँ से आप देखिए अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हैं, यहाँ से खुद का प्रीसेट बना सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं अलग अलग नाम से जो आप चाहते हैं। ये बेस वाला जो है ऑप्शन, मैंने इसे ट्राई किया, बहुत भारी बेस देता है, हालांकि ये गेमिंग हेडफोन है तो आप इसे म्यूजिक के पर्पज से कभी मत लीजिएगा, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इसे गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा डिटेल साउंड मुझे मिलता है, खासकर बैटल रॉयल गेम। तो आइए सेटिंग में हम आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट इफेक्ट, यहाँ से हम इसे ये डिसेबल ये सब रहता है, यहाँ से देखिए कॉन्सर्ट हॉल, लिविंग रूम, स्टोन, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये क्या है बाथरूम है, और ये हो गया आपका अंडर वाटर, ये हो गया कॉन्सर्ट हॉल, तो ये सब पहले से प्रीसेट है, ये रूम साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको पूरी साउंड ऐसे घूम के आपके कानों में सुनाई देगी, इसे डिसेबल लगते हैं, इसे यूज़ करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं आगे सेटिंग आपको बताता हूँ। 7.1 वर्चुअल स्पीकर शिफ्टर, इसे आप इनेबल करिए, इसको इनेबल करने के बाद देखिए यहाँ पे इनेबल कीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये इसको आप पूरा इस तरीके से एक एक आप जब एक्चुअल में सुनेंगे इसको, कोई गाना लगा लीजिए, कोई भी साउंड प्ले कर लिए, उसके बाद इसको जैसे जैसे घुमाएंगे आप उस हिसाब से आपको फील होगा, इसे हम
वापस डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, इस पे क्लिक करेंगे होम वाले पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये और भी कंट्रोल दिए हैं जिससे इसको घुमाया जा सकता है। इसको आप कर दीजिए यहाँ पे -4 dB है, इसे -3 कर दीजिए और पास आ जाता है, जो साउंड जो आपको है और क्लियर और अच्छी सुनाई देती है। ये देखिए जियर सिंग एफेक्ट्स है यहाँ पे, इसे भी इनेबल कर सकते हैं। पिच वगैरह यहीं से डाउन कर सकते हैं, यहीं से आपको आवाज़ भारी सुनाई देगी, पतली सुनाई देगी। इतने सारे कंट्रोल दिए हैं। फिर यहाँ पे एक और सराउंड साउंड का मैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने का मतलब नहीं है, आप इसे इनेबल करके यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा हर चीज़ में। और माइक में भी ऑप्शन दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जितने ऑप्शन दिखाई ये स्पीकर पे राइट क्लिक करने पे थे, माइक पे हम राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए माइक के भी ऑप्शन है। माइक का भी वैल्यूम यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सैंपल रेट है, सैंपल रेट पहले से ज़्यादा पे है। इसमें भी देखिए माइक्रोफोन एको, ये देखिए बहुत कमाल की चीज़ देखी है, मैजिक वॉइस। ये देखिए मॉन्स्टर, कार्टून, मेल, फीमेल, ये प्रीसेट आते हैं। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो अगले, जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो या कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो थ्रू इस हेडफोन के, तो आपको आवाज़ जो है चेंज होके जाएगी। एक तरीके से ये वॉइस चेंजर इसी में मिलता है। ये देखिए नॉइस रिडक्शन, ये देखिए नॉइस रिड्यूशन, सॉरी, ये देखिए इसको इनेबल किए तो आपकी नॉइज भी रिड्यूस हो जाएगी। इसमें इतनी सारी सेटिंग दी गई है, बहुत कम लोग बताते हैं एक एक सेटिंग, मैंने बता दिए ताकि समझ में आ जाए क्या क्या मिलता है इस हेडफोन के साथ। तो जैसा कि ये हेडफोन यहाँ पे हम लोग को लगा हुआ है, तो एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं तो एक्चुअल में ज़्यादातर इसे यूज़ करता हूँ फ़ोन में लगा के, तो ये देखिए ये OTG मैंने लिया है। मैं इसे फ़ोन में यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं BGMI खेलता हूँ एक्चुअल में, तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है, इसे लगाइए OTG में। अपना OTG ऑन कर लिए फ़ोन का, अगर आपके में ऑप्शन है, मेरे फ़ोन में तो डायरेक्ट ऑन ही रहता है। बस इसे यहाँ पे प्लेस कीजिए USB-C वाले पोर्ट में अपने, ये देखिए ये मैंने इसको लगाया, ये देखिए इसमें लाइट्स जलने लगी। हालांकि आपको फ़ोन में ड्राइवर का सपोर्ट नहीं मिलता है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो साउंड आती है यहाँ पे देखिए आ गया है ऑप्शन प्लेइंग साउंड ओवर USB, ठीक है, और हेडफोन का लोगो भी आ गया है। तो इसे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए इसकी लाइट जो है ऑफ़ कर दिएगा, वरना बैटरी आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी। और ऐसे यूज़ कीजिए नॉर्मल, इसमें भी आप इसके बटन्स काम करते हैं वैल्यूम अप डाउन के लिए इजी तरीके से, फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए एक बार इसको देखा जाए अंधेरे में ये कैसा दिखता है, इसकी लाइट्स कैसी दिखती हैं अंधेरे में। चलिए लाइट्स ऑफ करते हैं, लाइट्स ऑफ। तो जैसा कि लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, अब आइए हेडफोन में देखते हैं कि क्या इसकी लाइट्स आती हैं क्या नहीं आती हैं। ये देखिए अभी ऑफ है, तो मैंने इसके बटन दबा के ऑन किया, ये देखिए क्या सही लाइट दे रहा है। देखिए इसके ये जो माइक मैंने बताया था इसमें भी ये लाइट जल रही है, ठीक है, ये देखिए देख रहे हैं इफ़ेक्ट दोनों तरफ आ रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसमें अंधेरे में खेलने में, और काफ़ी खूबसूरत लगता है और फ्लेक्सिबल भी है, कुछ इसमें इशू नहीं है। तो चलिए जैसा कि हमने देख लिया अंधेरे में, अब लाइट्स ऑन कर देते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाइट्स ऑफ की थी, ताकि आपने सब कुछ इसका देख लिया डिटेल, और इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि साउंड क्वालिटी म्यूज़िक आपको एकदम डीप बेस और एकदम प्रीमियम म्यूज़िक चाहिए तो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है डिब्बे पे लिखा है गेमिंग हेडसेट, तो नो डाउट, ठीक है, वो सब हटाइए। और ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने, ये ऑफ़र थी करीब 1400 अराउंड 1500 के आसपास मैंने इसे परचेस किया था। इसका प्राइस ऐसे नॉर्मली 1800 के आसपास रहता है। अभी डील आई थी फ्लिपकार्ट पे, 900 रुपये की हेडफोन मिली थी। आँख बंद करके कोई भी अगर चाहता है कि मुझे हेडफोन चाहिए और उसे चाहिए कि हाँ गेमिंग, तो आँख बंद करके ले ले, इससे अच्छा हेडफोन नहीं मिलेगा। RGB मिल जाता है आपको, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए सारी बटन्स मिल जाती हैं। तो ये अपने 1800 तक के प्राइस में भी काफ़ी अच्छा आता है, आप इसे लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, प्राइस देख के ले लीजिएगा। अगर ये 1500 के अंदर मिलता है तो आप इसे क्लियरली ले सकते हैं, उसमें नो डाउट है।
तो अब बताइएगा इसे यूज़ करके ही कैसा लगा, आपने इसे लिया तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो ख़त्म करते हैं इसी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लगा।